हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग को काजल स्प्रेड ना हो उसके टिप्स बताने वाली हूँ, जो कि अभी आपको दिवाली में बहुत ही काम आएगी। तो कैसे आपको अच्छे से काजल लगाना है, काजल को स्प्रेड नहीं होने देना है और किस तरह से काजल लगाते हैं, आज मैं आप लोग को बताऊँगी। प्लस उसके साथ एक हेयर स्टाइल बताऊँगी। और अगर अच्छा सा, जैसे कि बहुत ही प्लेन आपके बाल दिख रहे हैं, तो उसे हल्का सा वेवी कैसे करते हैं और थोड़ा सा अच्छा फ्लपी टाइप आपके हेयर्स कैसे करते हैं, तो आज मैं आप लोग को वो बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ मेरा वीडियो पूरा एंड तक देखिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी न्यू जो वॉच कर रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि स्ट्रेट हेयर को कैसे वेवी में कन्वर्ट करना है। जैसे कि आप देख सकते हो, मेरे हेयर थोड़े से हल्के से वेवी लग रहे हैं, क्योंकि मैं दो दिन से बन बना रही हूँ इसके लिए। एक्चुअली मेरे हेयर पूरे स्ट्रेट हैं, तो आपको उसके लिए क्या करना है, और लिटिल बिट थोड़ा सा बाउंसी दिखे अपने बाल, तो दिवाली पे आपको बहुत ही काम आएगा ये टिप्स। तो आपको क्या करना है, अच्छे से कॉम करना है हेयर को, जितने अच्छे से हो सके उतने अच्छे से कॉम कीजिए। कॉम करने के बाद आपको उसको ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट कीजिए, अच्छे से ट्विस्ट कीजिए, और वो भी टाइट होना चाहिए। ट्विस्ट कीजिए और उसे एक साइड पे बन बना दीजिए। ओके, बन इतना टाइट और ट्विस्ट भी एकदम टाइट करना है आपको, बन बनाना है। बन बनाने के बाद आपको हेयर ड्रायर लेना है। हेयर ड्रायर खाली आपको ये देखना है कि ज़्यादा भी हाई फ्लेम में ना हो, मीडियम में ही रखना है आपको। और फिर उस पे बन पे आपको आपको ये मशीन घुमानी है। ओके, रखनी है 2 मिनट तक आपको रखना है। ओके, थोड़ा दूर से करिए, फिर थोड़ा नज़दीक से कीजिए। उसके बाद आपको आप हेयर छोड़ दीजिए। देखो, हल्के से वेवी दिखेंगे आपको बाल। अब फिर से आपको नीचे से बाल को ट्विस्ट कीजिए, सेम जैसे ऊपर किया। तो बालों को आप ट्विस्ट कीजिए, नीचे के बालों को ट्विस्ट करने के बाद आपको उसे भी राउंड करना है। फिंगर पे टर्न कर दो, नहीं तो कोई, अगर आपको फिंगर पे नहीं जम रहा है तो कोई कॉम ले लो, कॉम में आप ऐसे टर्न कर दो। उसके बाद आपको हेयर ड्रायर उस पर भी सेम वैसे ही लगाना है। ओके, 1 मिनट तक आप कर सकते हो, हेयर ड्रायर घुमाओ उस पर और फिर छोड़ दो। अब आप देख सकते हो थोड़ा सा वेवी लग रहा है बाल, बहुत ही सुंदर लगता है। सेम वैसे ही सेम आपको सेकंड पार्ट पे भी करना है, सेम वैसे ही करना है सेकंड पार्ट पे। ओके, जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट पे किया, वैसे सेम आपको सेकंड पार्ट पे करना है। ट्विस्ट करो अच्छे से, और इस पे हेयर ड्रायर आप घुमा दो अच्छे से, डाल अच्छे से घुमाओ हेयर ड्रायर। अरे यार, बहुत बोर हो जाते हैं नहीं एक ही हेयर स्टाइल से, और एक ही हेयर अगर स्ट्रेटनिंग करवाते हैं ना, तो मेन प्रॉब्लम तो वही होती है कि वो फिर स्ट्रेट का स्ट्रेट ही रहता है ना। हम ट्विस्ट कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आपको अच्छे से आप ये ऐसे करोगे तो देखो लिटिल बिट थोड़ा सा बाउंसी लगता है और बहुत ही सुंदर लगता है। तो अब ये है मेरा सेकंड ट्रिक। मैं आज आपको बताऊंगी कि काजल जो फैल जाती है, हमारा स्मश हो जाता है, तो उसके लिए हमें क्या करना है। बहुत ही अच्छी ट्रिक है ये। तो आपको क्या करना है, वाटर लाइन से नहीं लगाना है, थोड़ा सा वहाँ से थोड़ा सा पार्ट आपको छोड़ देना है, लिव इट दैट पार्ट। और फिर आगे से, थोड़ा आगे से आपको काजल लगानी है। देखो मैं कैसे काजल लगा रही हूँ, आप कोई भी काजल लीजिए चलेगा, कोई भी काजल। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई काजल ऐसे कोई मेन है कि यही काजल लगानी चाहिए, आप कोई भी काजल लगा सकते हो। पर आप ये ध्यान दीजिए कि वाटर लाइन पे नहीं लगे,
वाटर लाइन पे नहीं लगनी चाहिए, बिकॉज वाटर लाइन पे अगर आपकी काजल लग जाएगी ना तो वो स्मश होना ही है, बिकॉज वहाँ से पानी आता है, तो हल्का सा भी पानी आएगा ना तो वो फैलने ही वाला है आपके काजल में। जैसे कि मैंने ये लगाया, उसके बाद आपको लेना है लाइनर, वाटर वाला लाइनर, ओके, जेल वाला नहीं, लाइनर। लाइनर आपको इसके नीचे वाले पार्ट पे अप्लाई करना है, काजल के नीचे वाले पार्ट पे आपको लाइनर अप्लाई करना है। बस ध्यान से लगाना, आँख में ना चले जाए। तो आपको देखो कैसे लगाना है, बहुत ही अच्छा लुक आएगा, एकदम डार्क लगता है, जैसे कि डार्क काजल लगाई है, और पूरा दिन वैसे ही काजल आपकी रहेगी, ना तो फैलेगी कुछ नहीं। मेरे आप बाल भी देख सकते हो कितने सुंदर लग रहे हैं। अब एक आपको एक हेयर स्टाइल भी बता दूँगी, थर्ड ट्रिक मेरा, बहुत ही इजी स्टेप है हेयर स्टाइल का। आप ऐसे राउंड करके भी क्लिप लगा सकते हो, या फिर सेकेंड जो आपको दिवाली पे बहुत ही काम आएगी। फर्स्ट पार्ट आपको थोड़ा सा बाल लेना है, उसको ट्विस्ट करना है, उसके बाद सेम नीचे वाले बाल को उसके ऊपर टर्न करना है, टर्न करने के बाद आपको ट्विस्ट करना है, फिर से थर्ड पार्ट लेना है और उसके ऊपर टर्न करना है, अगेन ट्विस्ट, फोर्थ पार्ट उसके ऊपर आपको टर्न करना है, फिर से आपको ट्विस्ट करना है। सेम वैसे ही आपको अगर पीछे तक लेके जाना है तो पीछे तक भी लेके जा सकते हो, पर मैंने यहाँ पे स्टॉप कर दिया है। फिर आपको जो क्लिप लगानी है आप लगा सकते हो, ये तो मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए मैंने सिर्फ क्लच लगाया है छोटा सा, लेकिन आप टिकटॉक वाला क्लिप भी लगा सकते हो, आपको जो पिन लगाना है आप लगा सकते हो। तो आप देख सकते हो कितना अच्छे से पर्फ आया है। सेम सेकेंड साइड से भी आप ऐसे ले सकते हो अगर आपको लेना है तो, अच्छा लगता है वो वाला भी लुक, ओके। और फिर आपको पिन लगाना है, तो आप मुझे, आप देखो कितना सुंदर लग रहा है ये हेयर स्टाइल। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि मेरा चैनल आपको कैसा लगा, मेरा वीडियोस कैसे लगे आपको, और प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा। सो आप लोग ने मेरा वीडियो देखा होगा अभी, आपको कैसा लगा आप मुझे बता सकते हो, और कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो। आप यूज़ करो और आप देखो कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और सेम ऐसे फॉलो, अगर आप टिप्स फॉलो करोगे ना मेरे सारे टिप्स, तो आपको बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही अच्छा है। कोई बात की टेंशन नहीं है, ना किसको आपको पूछना पड़ेगा कि किसके लिए क्या करते हैं क्या नहीं। आप इजीली मेरा वीडियोस देख के आप इजीली अपने पे ट्राई कर सकते हो, ओके। सो आप अच्छे से ट्राई करो कैसे काजल लगाना है, और मेरे वीडियोस देख के काजल लगा दो अच्छे से, बिल्कुल भी नहीं फैलेगा, रात तक वो काजल वैसी की वैसी ही रहेगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।